अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो एमी नोनो यानी कि तुर्की में सबसे सस्ती मार्केट जो इस्तांबुल के अंदर है, होलसेल मार्केट, उसका पार्ट टू रहता था। तो जाने से पहले मैंने कहा पार्ट टू बना दूँ और आप लोगों को इनकी मार्केट को ज़रा एक्सप्लोर करवा दूँ कि वहाँ पे रेट्स किस तरह हैं, और जो मेन आप टैक्सी में और इनकी ग्रैंड बाज़ार वहाँ के रेट का कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो चलते हैं, पार्ट टू बनाते हैं और आपको दिखाते हैं एमी नोनो मार्केट। सही, बारिश स्टार्ट हुई है यहाँ पे आज, और बस दो दिन रह गए हैं फ्लाइट के लिए, तो उसके बाद इंशाल्लाह चलते हैं और अभी फ़िलहाल आपको मार्केट दिखाते हैं। तो एमी नोनो मार्केट में पहुँच गया हूँ, तो अब एमी नोनो मार्केट में जा के देखते हैं चीज़ें और इनके रेट्स वगैरह देखते हैं यहाँ पे। ये जी यहाँ पे एंट्रेंस पे एक शॉप है, तो यहाँ पे जो है डिफरेंट चीज़ें, ये यहाँ पे कुछ खाने पीने की शॉप्स वगैरह हैं, और बाकी हम लोग एक ऐसे देखते हैं फर्दर इसको। सारी ये मार्केट है, ये चीज़ें देखें आपको, ये 25 की यहाँ पे सारी ये की चेन वगैरह जो मिल रहे हैं, और यही अगर आप दूसरी मार्केट में टैक्सी वगैरह में जाएं तो आपको यही 50, 65, 70, 80 में मिलते हैं ये जो चीज़ें। ये ड्राई फ्रूट्स की शॉप्स हैं यहाँ पे, और ये जो है ये सब चीज़ों की यहाँ पे कुछ रेट्स वगैरह लिखे हुए हैं, ये रेट्स वगैरह आप लोग इनके देख सकते हैं मार्केट के। तो ये कुछ चीज़ें लगी हुई हैं, ये भी आपको यहाँ पे 100 लीरा की जो मिल जाएंगी, और ये हेडफोन्स वगैरह हैं, इनकी डिफरेंट प्राइजेज हैं। ये सारी होलसेल मार्केट है और यहाँ पर चीज़ें जो हैं आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ती मिल जाती है रेट्स पर। तो अगर आप लोगों को ये जो वुड की चीज़ें हैं वो पसंद है, तो ये डिफरेंट प्राइजेस के साथ लगी हुई यहाँ पे शॉप्स वगैरह हैं, ये मुनासिब प्राइजेस में लगी हैं, बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेंसिव नहीं है, ये हाई प्राइजेस में नहीं है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट के अंदर, ये यहाँ पे कुछ जूलों की शॉप्स वगैरह हैं, शूज़ लगे हुए हैं, ये जितने भी हैं ये आपको 200 तुर्किश लीरा के अंदर ये लगे हुए हैं, और ये इनकी डिफरेंट प्राइजेस हैं, ये 250 लीरा के अंदर मिल जाएंगे आपको, 50 लीरा के अंदर है। ये यहाँ पे एक मोबाइल शॉप है, डिफरेंट प्राइजेस के साथ लगी हुई है, प्राइजेस वगैरह यहाँ पे मोस्टली मेंशन ही होती है इन चीज़ों के। और ये है इनका नाम, ये टेलीफेनिक भोपाल के नाम पे है, और इनके पास में सारी एक्सेसरीज पड़ी हुई है यहाँ पे। तो ये सारी यहाँ पे शॉप्स हैं, आपको डिफरेंट प्राइजेज में यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो होलसेल मार्केट में मिल जाएंगी, कुछ महंगी भी मिलेंगी और कुछ सस्ती भी हैं। तो लेकिन यह कि बाकी ग्रैंड बाज़ार वगैरह से तो काफ़ी ज़्यादा सस्ती, लाइक इस तरह के सोल जो हैं ये 40 लीरा के लगे हुए हैं यहाँ पर, तो ये क्वाइट एक्सपेंसिव नहीं है लाइक जैसे दूसरी मार्केट के अंदर एक्सपेंसिव है। और इसके अलावा अभी दूसरी मार्केट में चलते हैं, तो ये यहाँ पे जैकेट्स लगी हुई हैं 400 तुर्किश लीरा की लगी हुई हैं, और ये अंकल जो हैं ये इनको सेल कर रहे हैं, मुनासिब लगी हुई 4,000 पाकिस्तानी बनते हैं वैसे ये। और चलें बाकी आगे चलते हैं। और अच्छा एक ये शॉप है रमन यमनिस खान, यहाँ पे ईवल आई का बड़ा कॉन्सेप्ट है, और यहाँ से आपके ये सारी जितनी भी ईवल आई से रिलेटिव चीज़ें हैं ये आपको सारी यहाँ से मिल जाएंगे। ये बिल्कुल आप एंटर होंगे तो सीधे ही इनकी स्ट्रीट है, और ये एक हान तस्वीर हाउस है, यहाँ से आपको चीप रेट्स पर तस्वीर वगैरह मिल जाएगी, यानी कि लाइक 25 लीरा की तस्वीर सारी ये लगी हुई है यहाँ पे, 25 के अंदर सारी तस्वीरें कोई भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो इस तरह के अंदर छोटे बाज़ार भी हैं यहाँ पे, और ये स्ट्रीट्स वगैरह हैं यहाँ पे भी आपको डिफरेंट किस्म की जो चीज़ें हैं वो इजीली अवेलेबल हैं, और ये नॉर्मल प्राइजेस के अंदर है, क्योंकि बड़ी शॉप्स के अंदर प्राइजेस जितनी हैं उतनी ज़्यादा हाई होती हैं, तो अगर आप छोटी शॉप्स वगैरह पे जाके देखें तो यहाँ पे प्राइजेस जो हैं क्वाइट कम है दूसरी चीज़ों से। ये सीधे अगर जाएँ तो यहाँ से जो प्राइजेस हैं वो प्राइजेस कह रहा हूँ बाज़ार एंड है ये वाला बाज़ार जो, क्योंकि जब एंटर सीधा ये बाज़ार है, अभी किसी दूसरी मार्केट की तरफ चलते हैं अंदर उसको देखते हैं। ये कुछ यहाँ पर डिफरेंट किस्म के इनके पत्थर वगैरह लगे हुए हैं डिफरेंट प्राइजेस पे, कुछ 100 तुर्किश लीरा में है, कुछ सारी आलम 100 है 150 लीरा के अंदर ये अवेलेबल है, अगर आपने यहाँ से कुछ चीज़ बाय करनी है तो।
यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ज़्यादा रेट्स नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये पता नहीं पत्थर है कि नहीं है, लेकिन ये है कि आप यहाँ से कुछ बाय करने तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। भी प्राइजेस लगी हुई हैं, ये रिंग्स वगैरह है तो यहाँ पे ये 200, 175 डिफरेंट प्राइजेस में रिंग्स लगी हुई हैं। ये ट्रीज हैं तो 160 लीरा के अंदर ये लगे हुए हैं ऑलमोस्ट, और ये इनकी जो है शॉप्स हैं साथ साथ ही हैं, प्राइजेज हैं। ये आपको तस्वीर वगैरह है 15 लीरा, और अगर आपने 4 लेनी है तो आपको ये 50 लीरा के अंदर मिल जाएगी। और ये बाज़ार के साथ एंड है, एंड वाली शॉप्स हैं ये जितनी भी सारी, क्योंकि यहाँ पे क्रिसमस आने वाला, तो क्रिसमस जो है वो भरपूर अंदाज से मनाया जाता है, तो ये शॉप वगैरह है यहाँ पे, और इन्होंने सारी चीज़ें वगैरह जो है वो यहाँ पर रखी हुई है। और ये इनका वो एंड पे मेरे ख्याल से ये बाज़ार का एंड है, ये बिल्कुल एंट्रेंस वाला बाज़ार है। तो अब इसके बाद फिर दूसरी मार्केट में चलते हैं, दूसरे बाज़ार के अंदर, तो वहाँ पे भी जो प्राइजेज हैं उनको जाके चेक करते हैं। ये स्टोन्स हैं तो ये इनकी प्राइजेज लगी हुई है, डिफरेंट किस्म के स्टोन्स 15 तुर्किश लीरा, और ये प्राइजेज चेक करें 13 लीरा, 13 लीरा कुछ 15 के हैं, तो डिफरेंट प्राइजेज के अंदर ये लगे हुए हैं। ये यहाँ पे भी लाइक ये 35, 30, 35 सारे लगे, लेडीज़ का सामान जो यहाँ पे वैसे ही बहुत ज़्यादा है। और 19, और ये प्यारे प्यारे ट्रीज हैं इनके और के अंदर लगे हुए यहाँ पे। यही शॉप है जी इनका, कुछ ईद दिन का आप यहाँ से आकर देख। तो वाला बाजार जो है ये यहाँ पे एंड हो गया है, और ये मेरे पीछे आप देखेंगे वो बिल्कुल एंड इस बाजार का। तो इसके बाद जो है दूसरी मार्केट की तरफ चलते हैं, यानी कि दूसरे बाजार की तरफ चलते हैं, तो वहाँ पे जाके भी थोड़ी प्राइजेस का देखते हैं कि वहाँ पे प्राइजेस का कितना डिफरेंस है ग्रैंड बाजार और बियोग्लो टेक्सम स्क्वायर वगैरह से। ये जी एक और शॉप पे आए हैं, इनका नाम करामसिक तकियान कुछ जो भी लिखा हुआ है, तो इनके पास भी जो प्राइजेस हैं वो काफ़ी मुनासिब लगी हुई हैं। ये आपको 10 तुर्किश लीरा के अंदर ये लेडीज़ के लिए बैंडिट्स वगैरह हैं, और ये की चेन वगैरह है, ये भी आपको 20 के अंदर ये दे रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और ये 30 के अंदर आपको यहाँ पे सारा कुछ ये भी मिल जाएगा। और ये रिंग वगैरह लगी हुई है 40 40 के अंदर, ये रिंग्स लगी हुई हैं यहाँ पे, और ये सारे 20, 40 और 60, 80, 100, 120 डिफरेंट प्राइजेस के अंदर लगे हुए हैं ये लेडीज़ के लिए, पता नहीं इनको क्या कहते हैं। ये जो है ये 15 15 के अंदर स्टोन्स वगैरह वाले लगे हुए हैं, और इनका कोई आइडिया नहीं है, डिफरेंट है, डिफरेंट कलर्स वगैरह के भी हैं इनके पास, ये चीज़ें लगी हुई हैं। ये भी 25, 20, 15 के अंदर ये इनके पास भी चीज़ें लगी हुई हैं सारी जितनी भी हैं। हाँ ये भी इनके अंदर 15 के अंदर है सारी। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे सस्ती लगी हुई हैं, तो इनमें से आप कोई इस भी आके एक्सप्लोर कर सकते हैं, या कुछ चीज़ परचेज आप लोगों को करनी हो तो। इनके सामने जो है ये कलीम गिफ्ट और यमी वाले, इनके सामने बिल्कुल ये शॉप है। यार ये स्टोन्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ये 15 लीरा के दे रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। अब ये भी इनके पास है मरकान स्टार स्टोन, डिफरेंट किस्म के स्टोन्स हैं, तो पता नहीं अब इनका ये क्या है, ओरिजिनल है कि नहीं है। तो ये एमिनोनो के से दूसरा बाज़ार की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी प्राइजेज जो हैं वो नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा हाई प्राइजेज नहीं है। तो साथ ही यहाँ पे आपको खाने पीने की शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी, और
अगर हम ये देखें तो यहाँ से ये ज़्यादा यहाँ पे आपको लेडीज़ की चीज़ें मिलती है, और उनकी मोस्टली प्राइस यही है 20, 30, 40। हम ये देखें 50 के अंदर ये चीज़ें लगी हुई हैं इनके पास, और ये 30 है, और ये इनका नेचुरल नाम है, और ये डिफरेंट प्राइजेस भी लगी हुई हैं, और ये भी 35 लीरा के अंदर ये छोटी छोटी चीज़ें लगी हुई हैं यहाँ पे। ज़्यादातर यहाँ पे लेडीज़ की चीज़ें 100 तुर्किश लीरा के अंदर ये ग्लासेस लगी हुई हैं, फ्रेम्स वगैरह ये जो है, तो मुनासिब रेट्स हैं अगर आपने परचेजिंग करनी है यहाँ से। तो ये इनकी शॉप का नाम तो कोई नहीं लिखा हुआ, और ये कुछ बाज़ार है, और ये इस बिल्डिंग के सामने तुर्क टेलीकॉम के सामने है। तो यहाँ पे कोई 850 के अंदर ये बड़ी प्यारी जैकेट्स लेडीज़ या मेंस की जैकेट्स लगी हुई हैं, तो ये भी प्राइजेस ठीक है, नॉर्मल प्राइजेस में लगी हुई है। अंदर ये 750, 250 के अंदर ये चीज़ें लगी हुई हैं इनके पास, और ये आपको यहाँ पे 249 के अंदर ये दे रहे हैं, और ये भी 299 के अंदर है। तो प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा इन बाज़ार्स में कम है, इसी नस्बत दूसरे जो है अमीनो ग्रैंड बाज़ार और जो है बियोग्लो के सामने जो सात बाज़ार है। तो आगे चलते हैं कि और शॉप को विज़िट करते हैं। तो मज़ीद इस तरफ अगर देखें, ये बोनचीला की शॉप है, यहाँ पे भी जो प्राइजेज हैं वो डिफरेंट चीज़ों की कम लगी हुई है। 25 तुर्किश लीरा के अंदर चीज़ें लगी हुई हैं कुछ इनके पास, और कुछ ये 100 लीरा 1 लीरा के अंदर लगी हुई है, इनकी शॉप है। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ये जो बाकी इनकी मार्केट है, और ये सस्ती मार्केट्स हैं। तो चलें जी, ये जो है मुझे यहाँ पे कुछ रेट्स मिले हैं, ये यहाँ पे आपको 250, और तो ये भी अमीनोनो की मार्केट है, और यहाँ से आपने जो भी चीज़ें लेनी है आपको मुनासिब रेट्स वगैरह पे मिल जाती हैं, और ये सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। ये भी डिफरेंट कट प्राइजेस के अंदर लगी हुई हैं, 100 तुर्किश लीरा, और ये शॉप का नाम है काजिक होम। तो डिफरेंट प्राइजेस के अंदर ये भी नॉर्मल प्राइजेस के अंदर चीज़ें लगी हुई हैं। ये सारी जी मार्केट है, ये जी तुगबा है, और इस पे भी 15% डिस्काउंट लगा हुआ है। ये लग रहा है शूज की मार्केट है यहाँ पे सारी। ये जी सारा व्यू है यहाँ पे, 31.3 थाउजेंड, उनका भी अच्छा रेट है यहाँ पे।
तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा एमिनोनो मार्केट पार्ट टू पसंद आया होगा। जितना शॉर्ट टाइम था तो उस शॉर्ट टाइम में मैं वीडियो बना सकता था, मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। तो शॉपिंग करने के लिए बेहतरीन है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तो उसके बाद फिर एक न्यू कंट्री न्यू ब्लॉग के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।